दोस्तों, मुझे आज कनाडा में आए हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं और फिर मुझे कुछ किचन यूटेंसिल्स ख़रीदने थे, साथ ही साथ छोटी मोटी कुछ ग्रॉसरी ख़रीदनी थी। तो जब मैंने अपने दोस्तों से पता किया तो उन्होंने मुझे बताया कि डॉलारामा का जो स्टोर है वहाँ पर किचन यूटेंसिल्स, स्टेशनरी और ऐसा अगर आपको सामान लेना है तो वो काफ़ी अच्छा रेट में मिल जाता है। तो फिर मैंने गूगल किया और पता लगा कि जहाँ पर मैं रह रहा हूँ वहाँ से लगभग 1.2 किलोमीटर पर डॉलारामा का एक स्टोर है। सो मैं अब निकल पड़ा हूँ स्टोर के लिए, थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा और फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि आखिर वहाँ पे क्या क्या मिलता है, किस रेट में मिलता है और मेरी जो परचेजिंग है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ में वहाँ पे लाइव शेयर करूँगा। तो यहाँ पर यह है कैनेडियन टायर और इसी के पास में आप सामने देख सकते हैं डॉलारामा स्टोर। सो अब लगभग हम स्टोर पर पहुँचने ही वाले हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सारी स्पून्स मिल जाएगी और इनकी जो रेट है वो लगभग 4.75 $5 के आसपास है। $2 की भी है, $3 की भी है और यहाँ पे ये फोक एंड स्पून सेट $4.5 के आसपास मिल जाता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बाउल्स हैं, ये भी आपको लगभग $5 के आसपास मिल जाते हैं और यहाँ पर ये छोटा फ्राई पैन है $4.75 में आपको मिल जाता है। इसी तरह से यहाँ पर ये ऑलमोस्ट सारी किचन यूटेंसिल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बैटी क्रॉकर है यहाँ पे, आपको ये लगभग $2 का मिलता है। इसी तरह से काफ़ी सारे स्पून्स हैं यहाँ पे, आपको मिल जाएंगे। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है केक प्लेट, केक बेस और ये कपकेक वगैरह बनाने के लिए, ये भी लगभग $4.75 के आसपास के रेट में आपको देखने को मिल जाता है। अब यदि यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये देखिए, ये भी लगभग आपको जो तपेली जिसे बोल सकते हैं लगभग आपको $5 में देखने को मिल जाती है। और ये यहाँ पर ये एक बाउल देखेंगे तो ये भी आपको जब $4.25 में मिलता है। ये ऊपर जो नेट है वो भी $2.75 में देखने को मिलती है, जो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं ये वाली नेट। अगर यहाँ पर आप स्ट्रेनर देख रहे हैं तो ये $4.25 का मिल जाता है। सो ये काफ़ी सही रेट में आपको यहाँ पे सारे यूटेंसिल्स ऑलमोस्ट देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये भी एक स्ट्रेनर है, थोड़ा हैवी वाला, जो आपको $4.75 में मिलता है। तो यहाँ पर ये सारे फॉइल पेपर्स हैं, ये लगभग $3.25 में मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टिफ़िन कवर, ये भी लगभग आपको जो है वो $5 के अंदर में मिल जाते हैं। अब टिफ़िन कवर और टिफ़िन बॉक्सेस को यूज़ करके आप कैसे एक कंप्लीट सेट बना सकते हैं वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। उसके बाद में यहाँ पे क्लिप्स है और ये छोटे जो आपके बैग आते हैं क्लीनिंग बैग्स, ये मतलब जो गार्बेज बैग है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप ये क्लीनिंग ब्रश देख सकते हैं, $1 से स्टार्ट होकर के $3.50 तक अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है। ये जो यूटेंसिल क्लीनिंग का जो ब्रश आता है ये लगभग $1.25 का है और विद स्टैंड आपको $1.5, और इसी में अगर आप इंडिविजुअल लेना चाहें 2 का सेट वगैरह तो यहाँ पर ये देखिए ये $1.25 में आपको मिल जाता है। अगर ये 10 का सेट आता है, ये भी जो हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं, यहाँ पर $1.25 में मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लीनिंग क्लॉथ्स, तो ये आपको ओनली $3 में मिलता है 5 का सेट। सो यहाँ पे स्क्रब क्लीनर जो है ये आपको लगभग 4.75 यानी कि $4.75 में मिल जाता है। और ये बकेट्स नीचे देख सकते हैं, ये आपको $4 में मिल जाती है। ये यहाँ पर जो है यूटेंसिल क्लीनिंग के लिए है, ये आपको लगभग $3.25 में मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप हार्पिक जैसे जो हम लोग क्लीनर यूज़ करते हैं तो वो भी यहाँ पर आगे आप देखेंगे तो मिल जाते हैं। पहले ये दिखा देता हूँ, ये बाथरूम फोम क्लीनर है, जो बाथरूम का फ्लोर व्लोर होता है वो क्लीन करने के लिए, ये $4.25। और यहाँ पर ये देखिए, ये भी $3.75। ये फ्रिज व्रिज क्लीनर अलग से इन्होंने नीचे दिया हुआ है, ऑलमोस्ट उसी प्राइस रेंज में। यहाँ पर देख सकते हैं लिक्विड है, ये दरअसल जो कपड़े धोने का लिक्विड है टाइड, वो यहाँ पे $4 का मिलता है। दोस्तों यहाँ पर जो है ना सर्फ कम इस्तेमाल करते हैं, ये लिक्विड जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से $3.50 का भी यहाँ पर एक ये आपको कंटेनर देखने को मिलेगा। ये जो साबुन का स्टैंड आता है ये लगभग $2.50। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं नैपकिन वगैरह है, ये आपको $4 $4.50 के आसपास में मिल जाते हैं। सो यहाँ पर आप ये कपड़ों के हैंगर देख सकते हैं, ये $2.50 में मिलता है, 7 का सेट है ये। इस तरह से अलग अलग सेट है, अलग अलग प्राइस में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फ्लोर मैट है, ये लगभग आपको $5.50 यानी कि $5.50 में मिल जाती है।
ये वेस्ट बिन $4.50, और अलग अलग बकेट्स है, और ये कलेक्शन बिन्स है जिसमें आप अपने कपड़े वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। ये भी लगभग $4.50 के आसपास में आपको पड़ते हैं। उसके बाद में ये बॉक्सेस है, कंटेनर बॉक्स, जो मैंने भी अभी एक लिया है, ये $5 में पड़ता है। इसमें भी आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किचन क्लॉथ्स है, ये लगभग $1 से लेकर के $5 की रेंज में अलग अलग टाइप के कपड़े आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में ये होल्डर्स है, ये आपका ओवन ग्लव्स हो गए, ये भी आपको $4.50 के आसपास में पड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सैलेड बाउल देख सकते हैं, ये $2.25 का है, यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद में ये आइस की प्लेट्स है सारी, ये भी लगभग $1.50 के आसपास है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्टोरेज बकेट्स हैं जो लगभग आपको $2 में मिलती है। न्यूकमर हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की बोतल की, तो वो यहाँ पर डॉलरामा में सबसे सस्ती मिलती है। वो मैंने जो अभी ली है वो ओनली $3.50 में ली है। वो यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ, शायद फिनिश हो गई है, मैंने जो वो पीस लिया है वो, बट ये ऊपर की तरफ जो है ये बोतलें आप ले सकते हो, काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में है। सो यहाँ पे काफ़ी वैरायटी ऑफ बॉटल्स है और अच्छी प्राइस में है। अगर आप वॉलमार्ट वगैरह से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलता है। और यही वो बॉक्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, कि अगर आप टिफ़िन कवर लेते हैं तो उसके साथ में इस टाइप के कंटेनर बॉक्स ले सकते हैं, ग्लास वाले। ये 2-3 कंटेनर्स आप ले लीजिए चपाती के लिए, राइस के लिए, सब्जी के लिए। और ये क्या है, माइक्रोवेव में भी काम आते हैं, तो आपके वर्क प्लेस में अगर माइक्रोवेव में आप गर्म करके खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो ऐसे 3 कंटेनर लेके और इसके सूटेबल आगे से बैग लेके आप अपना टिफ़िन लंच बॉक्स यानी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये कॉस्मेटिक आइटम्स है काफ़ी सारी। रेट्स तो इतना सही नहीं होगा, ऑब्वियसली बाहर के हिसाब से रेट ज़्यादा है, बट फिर भी आपको यहाँ पर सब मिल जाता है। ये कैप्स वगैरह आप ले सकते हैं, बच्चों के कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। कैप्स यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की $5-5.5 के आसपास में आपको मिल जाती है। और ये क्रॉक्स की एक बात ज़रूर हाईलाइट करूँगा दोस्तों, हम लोग इंडिया से क्रॉक्स लेके आते हैं, वो काफ़ी हमें कॉस्टली पड़ जाते हैं। यहाँ पर क्रॉक्स जो है $3-4 में आपको पड़ते हैं, और वही जो इंडिया से लेंगे उसी तरह की क्वालिटी, लाइट वेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर लगेज का कंसर्न है तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ वहाँ से लेके आने के लिए। यहाँ पर ये बेसिक टूल्स सेक्शन भी देख सकते हैं। सो टूल्स थोड़े यहाँ पर मुझे दोस्तों कॉस्टली लगे, $5 का हैमर है, ये अगर आप यूटिलिटी नाइफ देखने जाएंगे तो लगभग $2 की है। सो अगर कॉलगेट टूथपेस्ट भी आपको मिल जाता है, छोटा पैक 60 ml का $1 का, बड़ा 150 ml का जो है वो $2.50 का, यानी $2.50 में आपको पड़ता है। अब यदि हम मॉइस्चराइज़र वगैरह की बात करें तो यहाँ पर ये $5 में आपको पड़ जाता है लगभग 500 ml का, और ये देखिए $4.75 के आसपास पड़ता है। सोप अगर मैं दिखा दूँ, डव का जो है ये 5 का सेट है, ये 4.75 में आपको पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे वैरायटी ऑफ सोप भी आपको मिल जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप शैम्पू वगैरह देखेंगे, शैम्पू लगभग $4-5 500 ml का जो है वो पैक मिल जाता है। यहाँ पर 1 लीटर वाला पैक भी है, वो इन्होंने लगभग $4 में बता रखा है। तो अलग अलग क्वालिटी वाइज आपको मिल जाता है। जैसे ये पैंटीन का आप देख सकते हैं, ये आपको लगभग $4.50 में पड़ता है। पर आप देख सकते हैं ये कुकीज़ वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ये पोटैटो चिप्स है जो $2 में आपको मिलती है, $2.25 में। उसके बाद में ये फ्राइज है, स्टिक्स है, यहाँ पर लेस की चिप्स भी मैंने अभी देखी थी, ये देखिए ये लेस की चिप्स भी आपको मिल जाती है $2.50 में, लगभग बड़ा सा पैकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉसेज है, ये भी $1.50 में मिल जाता है। कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप देखेंगे $1.30, एंड ये अगर कैंस भी देखें तो, अगर कैंस भी देखेंगे कोल्ड ड्रिंक का, तो $0.74 में मिलता है, और अगर 2 लेने जाएंगे तो $1.25 में पड़ता है। अब यहाँ पे आप कुकीज़ वगैरह भी ले सकते हैं, ये आपको $2.50 के आसपास पड़ रही है। नीचे भी काफ़ी सारी वैरायटीज़ आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप वॉलनट के जो कुकीज़ देखेंगे तो ये आपको वॉलनट क्वेंचेस है, क्रो क्वेंचेस सॉरी, ये आपको $3.25 के आसपास पड़ रहे हैं। हम बात करें कैंडीज़ की, तो यहाँ पर देखिए वैरायटी ऑफ कैंडीज़ है, और ये सारी कैंडीज़ जो है वो लगभग $2.25 के आसपास आपको पड़ती है। ये चॉकलेट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो डेरी मिल्क हो गया और कैडबरी वगैरह सारी, यहाँ पे किटकैट भी है, तो देखिए $0.91 के आसपास में किटकैट मिल रही है। यहाँ पर जब देखेंगे तो ये 3 कैंडीज़ ओनली $1 में आपको मिल रही है। तो इस तरह से सारी कैंडीज़ भी आपको मिल जाती है। एक्सटेंशन कॉर्ड्स भी जो है वो डॉलरामा में काफ़ी सस्ती मिलती है, $2.50 के आसपास का ये 3-in-1 वाला कॉर्ड है। अगर आप नए आते हैं कनाडा में तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लाइट पोर्ट्स बहुत कम होते हैं।
हमारे पास लैपटॉप टैबलेट मोबाइल सब होता है, तो उसके लिए कोड आप यहाँ से ले सकते हैं एक्सटेंशन, वो आपको $3 के आसपास अच्छा सा मिल जाता है। दोस्तों अब जो है वो मैं स्टेशनरी सेक्शन पर आया हूँ और यहाँ पर स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार आ रहे हैं, मैं जैसे पूछता हूँ कि स्टेशनरी को लेकर के इसका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसने यहीं से अपनी पढ़ाई करी है, कॉलेजिंग करी है। स्टेशनरी तो यहाँ पर थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि इंडिया में अगर ये आप ये कि डायरी लेने जाओगे, ये कुछ 200 पेज की है, तो एक डायरी की कीमत होगी कुछ 100 रुपये या समथिंग अराउंड दैट, बट वही की वही डायरी की कीमत यहाँ पे लिखी है कुछ $3.50। सो ये तकरीबन हो गई ऑलमोस्ट $200-250 की, 200-250 रुपये की। सो ये नोट पैड देखने जाते हैं आप, तो फिर उसकी कुछ कॉस्ट है $1.25। ये कि यही नोट आप इंडिया में लेने जाओगे तो उसकी कीमत होगी कुछ 20-30 रुपीज़। सो दैट्स रियली अ ह्यूज डिफरेंस विच आई जस्ट रिकॉग्नाइज हियर इन कैनेडा। नोटबुक्स के मामले में कॉस्टली है ज़रूर, बट वो भी डिपेंड करता है अलग अलग नोट पे टाइप में। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर एक बुक दिखाऊँ आगे चल के थोड़ा सा, सो यहाँ पर आप दोस्तों एक नोटबुक देख सकते हैं 200 पेज का और इसका प्राइस है $2.75। अब यहाँ पर एक और नोटबुक जो 250 पेजेस के साथ में है और इसका प्राइस लगभग $2.50 के आसपास का है। सो ये कॉस्टली थोड़ा आपको यहाँ पे पड़ जाता है अगर आप नोटबुक वगैरह लेना चाहते हैं तो। ग्लू वगैरह ग्लू स्टिक भी अगर आप देखेंगे तो ये $2.50 के आसपास की, जबकि इंडिया में 20-30 रुपये में या ये 50 रुपये में आपको मिल जाता है। पेंटिंग सेक्शन है यहाँ पर, पेंटिंग प्लेट, पेंटिंग ब्रश, डिफरेंट टाइप के ब्रशेस की कॉस्ट आप देखेंगे तो सेट ऑफ ब्रश है वो $3-3.50 का है, $2 का है, और ये जो कलर्स है सारे ये $1.50 के आसपास के हैं। तो ये सारे आप कलर्स देख सकते हैं $1.50 में। उसके बाद में यहाँ पर आप डेकोरेटिव आइटम्स भी देख सकते हैं, फ्लावर पॉट वगैरह है, ये कुछ ग्लास के डेकोरेटिव्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है दोस्तों, हॉट व्हील्स की ये कारें जो लगभग $2 की यहाँ पर आपको पड़ रही है। फिर ये कुछ गेम्स है काफ़ी सारे जो बच्चों के लिए, इवन उसके बाद ये काफ़ी सारे टॉयज़ हैं जो आप बच्चों के लिए ले सकते हैं $2-5 की रेंज में। यहाँ पर अगर आप देखें तो बच्चों के लिए टूल किट का गेम, ये भी $4.50 का। सो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं टॉयज़ में यहाँ पर और प्राइस लगभग $5 के आसपास की है। तो यहाँ पर ये डिस्पोजेबल सेक्शन में आया हूँ, ये है डिस्पोजेबल डिश और 5 डिशेज़ हैं इसके अंदर में और इसकी प्राइस जो है वो चार डिशेज़ है यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसकी प्राइस जो है वो आपकी $4, यानी कि $1 की एक डिश पड़ी है आपको। इंडिया के हिसाब से देखें तो 62 रुपये का एक डिश डिस्पोजेबल, हालांकि इनकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, फिर भी अगर हम हमारे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। उसके बाद में अगर ये प्लेट्स देखें आप यहाँ पर, तो ये 15 का सेट है, $3-3.50 में आपको 15 का सेट मिलता है। इसके अलावा पर यहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी है ऑब्वियसली बेहतर है, काफ़ी बेहतर है इंडिया से, बट जब आप डिस्पोजेबल आइटम देखते हैं तो इतना कॉस्टली शायद समझ नहीं आता हमें। ये यहाँ पे देख सकते हैं ग्लासेस डिस्पोजेबल यहाँ पे मिलते हैं और इसकी प्राइस है $2.50, यानी कि $2.75 के आसपास में है, और ये जो कितने 10 ग्लासेस आपको मिलते हैं डिस्पोजेबल के। तो इस तरह से यहाँ पे ये डिस्पोजेबल सेक्शन है, यहाँ पे काफ़ी सारा कलेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। फिर अगर यहाँ सामने की तरफ देखें तो ये गिफ्ट कार्ड्स है, बर्थडे कार्ड, एनिवर्सरी कार्ड, ये सब आप जो है यहाँ पर खरीद सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 85 ग्राम का बनाना चिप्स है, ये आपको लगभग $1 में मिलती है। किटकैट चॉकलेट का बड़ा पैकेट आपको लगभग $3.50 में मिलता है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी चॉकलेट्स है, रेट लगभग $2-1 के आसपास ही है, 2 पीस $1 का ऐसा कुछ रेट में आपको मिलता है। जैसे देखिए 2 चॉकलेट्स है $1 की। आप कनाडा में साइकिल ली है आपने तो लॉक और पंप जो है ना ये डॉलरामा में बहुत सस्ते हैं। लिटरली मैंने जो लिया वॉलमार्ट से $10 का लॉक लिया, यहाँ पर $2.50 का लॉक है, और पंप जो है वो मैंने वहाँ से $30 का लिया था, यहाँ पे महज $4.50 में आपको पंप साइकिल की हवा भरने के लिए मिल जाता है। और इवन सारी एसेसरीज़ यहाँ पे काफ़ी सस्ती है इन कंपेयर टू दी वॉलमार्ट, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सो उसके लिए आप डॉलरामा में ही आके लेंगे तो ये आपको सही रेट में पड़ जाएगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर देखा आपने कि मैंने डॉलरामा का आपको पूरा एक प्राइसिंग बताने की कोशिश की है कि क्या आइटम क्या रेट में मिलती है। अब दरअसल मेरा जो मोटिव था इसके पीछे वो ये था कि अगर आप रिसेंटली कनाडा आ रहे हैं तो जब आप बैग पैक करते हैं तो सबसे बड़ी लिमिट आती है 43 kg की, कि हमें जो है वो 43 से ज़्यादा अलाउ नहीं किया जाता। सो क्या चीज़ लानी चाहिए और क्या नहीं लानी चाहिए, कई बार हम अननेसेसरी आइटम्स जो है वो जिसकी नीड ज़्यादा नहीं है, जिसका प्राइस डिफरेंस ज़्यादा नहीं है वो पैक कर लाते हैं, और कुछ ऐसी आइटम जिसका रियली हमें इकोनॉमिकल इम्पैक्ट पड़ता है, इंडिया में सस्ती है यहाँ पर महंगी है, वो हम वहाँ पर मिस कर जाते हैं। तो इस वीडियो में आप सारी आइटम्स को लिख करके एक बार एक थ्रोली छोटा सा आइडिया ले सकते हैं कि कौन सी चीज़ क्या रेट मिल रही है
कौन सी मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है और उसका प्राइस इंपैक्ट भी अगर ज़्यादा है तो वो आप अपने बैग में यहाँ पे लेके आ सकते हैं, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं। सो ये एक मेरे प्रयास था कि मैं आपको बता पाऊँ कि डॉलरामा में क्या मिलता है, किस रेट में मिलता है। मैंने भी यहाँ से कुछ एक शॉपिंग की है। अब संडे है तो शाम को 6 बजे बंद हो जाता है, इसलिए मैं भी यहाँ पर जल्दी बाहर निकल गया हूँ। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको अच्छे से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और जल्दी ही और भी स्टोर्स के बारे में डिटेल वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।